तेलंगाना से आदिवासी यहाँ पहुँचे हैं एक अनोखे बाजे और मुकुट पर मयूर का जो पंख है और कितने अच्छा साज सजे हुए हैं कि एक आदिवासी नृत्य इन लोग का धुन चल रही है। आप देख सकते हैं कि बाजा यहाँ कई एक जो जनजाति का है वो बाजा बजाए जा रहे हैं। कहाँ से आए हैं? तेलंगाना से। तेलंगाना एक कौन सा ड्रेस है? आ? कौन सा ड्रेस है? क्या बोलते हैं इसको? टोपी, घुसाड़ी टोपी। अच्छा अच्छा, ये क्या है? आप लोग के क्या है? रोकल रोकल। अच्छा क्या बोला? अच्छा दादा क्या काम आता है? क्या काम आता है? एक घुसाड़ी टोपी, ये फेदर्स जस्ट ऐसा टिक्स के लेने के लिए। यस, ये परफॉर्मेंस पावर है आपका? ये पावर है। अच्छा अच्छा, ये कस्टम का पावर है। हां, वहां कैसे रहता है प्रोग्राम? वहां पे हम दिवाली मनाते हैं 15 दिन। हाँ। गांव-गांव दूसरे गांव को जाके ये डांस करते हैं। हाँ। और भोजन खिलाते हैं। ये बहुत पवित्र स्थल है, ये स्पेशली दीपावली के दिन बनाते हैं। अच्छा, छत्तीसगढ़ में कैसा लग रहा है? छत्तीसगढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, छत्तीसगढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ बोलते हैं छत्तीसगढ़िया सबले सबसे बढ़िया। एक बार छत्तीसगढ़िया सबले छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। जोहार छत्तीस। जोहार छत्तीस। जोहार। ये तेलंगाना से है दादा, एकदम घुंघरू के साथ, क्या बात है, मुस्कान भी चेहरे। नहीं आते वो नहीं आते। अच्छा, ये तेलंगाना से पहुँचे हुए हैं, इतना अच्छा मुकुट देख सकते हैं। दादा एक बार और ये मुझे समझ में नहीं आया, ये क्या चीज़ है? ये है, ये इसको हम फेदर का जो है ना। हाँ। और उसके मिगल्स है, ये ऐसा लगाते हैं सो डेकोरेशन के लिए, सो मतलब अच्छी दिखना। और इसको आप ही लोग बनाए हैं? हाँ, ये सर हम ही बनाए हैं खुद हम। अच्छा, पूरा मयूर का पंख है? हाँ, ये पूरा मयूर का पंख है जो पारस में जाके ढूंढ के लाते हैं। इसका मान्यता क्या है तेलंगाना में? इसका मान्यता है वो पद्मलपुरी काको बोल के है, उसको पवित्र मानते हैं हम। एक भगवान है, उसके नाम के ऊपर हर साल दीपावली के 15 दिन के पहले मनाते हैं, और दीपावली होने के बाद ये पूरा निकाल के पूजा करके रख देते हैं घर में। अच्छा, ये कस्टम्स है आदिवासी का।